हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं केवीएस एमबीएस यूपी एमपी झारखंड का, जो 2008 से लेकर 2017 में एग्ज़ाम हुए उनका सॉल्व सॉल्यूशन दे रहे थे विद डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहे थे उनका। उससे पहले आपसे बता दें कि हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। देखिए, लिस्ट जो एमपीटी एमपीटी नहीं है, इसके क्वेश्चन आपको जो बायोलॉजी सॉल्व क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है उसमें पड़े हैं। इसको प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की, इसी में वो वीडियो एमबीएस यानी नवोदय के जो 2019 में पेपर हुआ था उसका भी इसमें ऐड कर देंगे, और आरपीएससी के जो पीजीटी और कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसको इस पर ऐड कर देंगे। ये वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमारे, और यूपी पीजीटी 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके भी वीडियो पड़े हुए हैं, और केवीएस का। तो ये सारे वीडियो आपको देखे, सेल डिवीज़न आपका पड़ा हुआ है, पूरा सेल डिवीज़न के वीडियो पड़े हुए हैं, और सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के वीडियो पड़े हुए हैं, टूल्स एंड टेक्निक के पड़े हुए हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, अल्ट्रावायलेट माइक्रो, बायोलॉजी चैप्टर वाइज सॉल्व सॉल्यूशन चल रहा है, जूलॉजी स्पेशल के पड़े हुए हैं जो बहुत ही टफ और उम्दा क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी के वीडियो कुछ पड़े हुए हैं, और बायोलॉजी जो नोट्स हैं इनमें ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, बॉटनी स्पेशल पड़ा हुआ है, जिम्नोस्पर्म पड़ा हुआ है, पीजीटी बायोलॉजी क्लासेस, नीट क्लासेस में एम्ब्रियोलॉजी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, सिस्टमैटिक्स और प्लांट का क्लासिफिकेशन आदि सब पढ़ा हुआ है। पीजीटी बायोलॉजी जूलॉजी सेक्शन में जूलॉजी के नोट्स पड़े हुए हैं, पीजीटी बायोलॉजी जूलॉजी सेक्शन में तो वो सारे नोट्स पड़े हुए हैं इसमें जूलॉजी के, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। बायोलॉजी सॉल्व पेपर में जितना भी हमने ऊपर बताया था वो सारे सॉल्व पेपर यहाँ मिलेंगे, और बस ये जो बायोलॉजी का था इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण था। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, लगभग 150-200 वीडियो हैं इस समय, और ऐसे भी हैं कि क्वेश्चन नहीं है, पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, तो चैप्टर वाइज भी वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आप उनको देखिएगा। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो, से पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है, द ऊसाइट ऑन द ब्रेंकियो स्टोमा आर सेड टू ब्रेंकियो स्टोमा के डिम्बाणुजनक कोशिकाओं को कहते हैं। तो यानी वो पूछ रहा है कि एक कैसा होता है, ये हमारे जो प्लांट एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का वीडियो पड़े हुए हैं, 4 से 6 वीडियो पड़े हुए हैं, पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी पड़ी हुई है, आप उसको देखिएगा कौन से एक को क्या कहते हैं, किसमें कौन सा एक पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आया है, तो ऑलिगोलिसाइथल पाया जाता है, ऑलिगोलिसाइथल को माइक्रोलिसाइथल भी कहीं कहीं कहा जाता है, और आर्थोपोडा जो होता है, आर्थोपोडा में जो एक पाया जाता है वो सेंट्रोलिसाइथल होता है, और जो कि मैमल्स में टीलोलिसाइथल होता है। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज, तो एनर्जी फ्लो जो फूड चेन में होता है वो कैसा होता है, फूड चेन की बात बता रहा है, फूड चेन खाद्य श्रृंखला में कैसा होता है, कैसा होता है, नॉन साइक्लिक होता है, कैसा होता है, नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक का मतलब एक दिशी होता है खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड फॉर कंजर्वेटिंग वाइल्ड लाइफ एज एन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर इन इंडिया, वन्य जीव संरक्षण हेतु वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा जिसकी स्थापना भारत में प्रकृति का समाकालित भाग है, तो वो कार्बेट नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा कार्बेट नेशनल पार्क है, और कार्बेट नेशनल पार्क जो माना जाता है पहला है उत्तर प्रदेश में पहले था, और पहला विकसित राष्ट्रीय पार्क था, काजीरंगा आसाम में पाया जाता है, गिर गुजरात में पाया जाता है, पेरियल केरल में पाया जाता है। पेरियल में हाथी का संरक्षण होता है, गिर में शेर के लिए है, और असम जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए है। तो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम N3 आसमा इज द ऑप्टेंड, N3 आसमा से प्राप्त होता है, तो N3 आसमा से क्या प्राप्त होता है, तो इसका होता है मूंगा सिल्क, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है मगर हम आपको बता रहे हैं, इससे मूंगा सिल्क प्राप्त होता है, और रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम में प्रोटीन पाया जाता है, बॉम्बेक्स मोराई जो होता है इसका शहतूत में पाया जाता है, एंथेरिया आसमेसिस मूंगा रेशम मिलता है, यह भारत और चीन में पाला जाता है, एथेरिया माइलिटा जो होता है उसे ट्रसर रेशम प्राप्त होता है। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वर्म इंक्लूड्स, तो इसमें क्या होता है, स्टिफलिंग जो होता है उससे संबंधित है, स्टिफलिंग होती है, रेशम कीट का लार्वा अपने चारों ओर एक ही लंबे धागे का खोल बना लेता है जिसे कोया कहते हैं, वायु के संपर्क में आकर ये सूख जाता है, बाद में रेशम धागों में बदल जाता है, कोकून नष्ट करके धागे को निकालने की क्रिया को सेल्टिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्टिंग कहते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट, इनमें से सोशल इंसेक्ट कौन सा है, तो आप बताइएगा। तो वो है कैलोटर्मीज है, जिसे कैलोटर्मीज को हम दीमक कहते हैं। ये सामाजिक प्राणी है, बहुरूपी कीट है। ये सुरंगों में हजारों सदस्यों की कॉलोनियां बनाकर रहते हैं। राजा रानी सैनिक श्रमिक वर्ग के कीट होते हैं। और बॉम्बिक्स जो है, ये तो सब आप जानते हैं, बॉम्बिक्स लाभदायक कीट श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा। द स्टडी ऑफ जीनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, तो उसे यूजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजेनेसिस के नाम जानते हैं। यूजेनेसिस का मतलब होता है वेल बॉर्न, ध्यान रखिएगा। यूजेनेसिस बोलते हैं। यूजेनिक्स का मतलब होता है वेल बॉर्न, और यूजेनिक्स को सुजन की नाम से जानते हैं। अनुवांशिकी के सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों में लक्षणों की वंशागत को नियंत्रित करके मानव की नस्ल को सुधारने का अध्ययन है। इसके बाद एक यूथिनिक्स भी आता है, यूथिनिक्स के बारे में भी जान लो। इसे स्व परिवेश की बोलते हैं। उत्तम प्रशिक्षण एवं पालन पोषण द्वारा उच्च अनुवांशिक लक्षणों में समुचित विकास की विधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फॉसिल ऑफ द नेंडरथल मैन वर फर्स्ट फाउंड इन, नेंडरथल मानव का जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, तो वो पाया गया था, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, जर्मनी में। नेंडरथल मानव का जीवाश्म सर्वप्रथम 1856 में नेंडरधारी सेसी फ्यूलरोट ने प्राप्त किया था, हीडलवर्ग जर्मनी के निकट। कहाँ प्राप्त किया था? हीडलवर्ग जर्मनी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइलाग्लोबोशा, पाइलाग्लोबोशा का सब क्लास आइडेंटिफाई करना है, तो अब बताइएगा कि सब क्लास क्या होगा। तो देखते हैं, इसका सब क्लास होगा प्रोसोब्रैंकिया। क्या होगा? प्रोसोब्रैंकिया होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? प्रोसोब्रैंकिया। नेक्स्ट है डक्टस बोटाली इज प्रेजेंट इन, डक्टस बोटाली उपस्थित होता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? राना टिग्रीना में। डक्टस बोटाली मेंढक राना टिग्रीना में उपस्थित होता है। यह रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? रक्त परिसंचरण के लिए। इसको स्केलियोडॉन को क्या बोलते हैं? स्केलियोडॉन को डॉग फिश के नाम से जानते हैं। यह कॉटिलेजनस मछली का उदाहरण है, तो ये खूब क्वेश्चन पूछते हैं, कॉटिलेजनस कौन है? द हॉलो इंटीरियर ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड, प्रामस्तिष्क के खोखले खोल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं खोखले खोल को? तो उसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। सेरेब्रम वृद्धि का केंद्र कहलाता है, सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र कहलाता है। पूरे मस्तिष्क का यह 80% भाग होता है। सेरेब्रम गुहा पार्श्व वेंट्रिकल में पाई जाती है। सेरेब्रम गोलार्ध में मस्तिष्क गुहा घोड़े के नाल जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट कहता है, मैच लिस्ट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम विथ लिस्ट सेकंड लोकेशन ऑफ एंजाइम आर सिलेक्टेड। तो यहाँ आपको दिया हुआ है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये ऑप्शन देने हैं, सही चुनना है। साइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है? तो साइटोक्रोम जो पाए जाते हैं वो क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इसका नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, आप लोग देख लीजिएगा। राइबोसोम 80S कैन बी डिसोसिएटेड इनटू टू सब यूनिट 60S एंड 40S, द टू सब यूनिट अगेन कैन रीफॉर्म द 80S सब यूनिट्स, व्हाट इज द डाइवेलेंट केशन इन द प्रेजेंस ऑफ विच सच कंजर्वेशन स्टेक्स टेक प्लेस। राइबोसोम की दो उपकाइयां 60 और 40, इन दो उपकाइयों को दोबारा राइबोसोम 80S इकाई में बदला जा सकता है, वह टिकटाइन कौन सा है, मतलब
कैटायन बोलेंगे, कौन सा है जिसकी उपस्थिति में परिवर्तन होता है। तो अब हम आपको बता दें ये परिवर्तन जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस पे जब एक्टिवेशन होता है टीआरएनए का, उसके बाद एमआरएनए जब बनता है, तो एमआरएनए में आप देखेंगे कि वो 30S से जुड़ जाता है अगर प्रोकैरियोट में देखें। फिर उसके बाद जब वो जुड़ जाता है, उसके बाद वो जुड़ता है अपने 30S किससे जुड़ता है, 50S से। तो 50S से जब जुड़ता है तो वो मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेट की आवश्यकता है। जब हाई कंसनट्रेट होता है जुड़ जाते हैं, लो होता है तो बिखर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकरिन तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था जो किंगडम पढ़ा रहे हैं, एनिमल किंगडम का हम दे रहे हैं प्रोटोजन क्वेश्चन। देखिए ये एग्ज़ाम में आया और मैंने बोला भी था कि सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। इन मैमल्स फोरामेन मैग्नम इज बाउंडेड बाय, स्तनधारी जीवनों में फोरामेन रंध्रक या मैग्नम घिरा होता है, तो किससे घिरा होता है, तो वो घिरा होता है बाय पश्च कपाल अस्थि, आधार पश्च कपाल अस्थि एवं अधिपश्च कपाल अस्थियों से, एक्सोसिपेटल एंड बेसिसिपेटल, बेसियोसिपेटल एंड सुप्रा ओसिपेटल बोन से कवर्ड रहता है। एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज करेक्टराइज्ड बाय, खरगोश की एटलस कशेरुकी की विशेषता है, तो ये क्या विशेषता है, तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए आप पढ़ लीजिएगा, सारी इसकी विशेषता है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हम आपको इसके अलावा कुछ बता दें कि 5 ग्रीवा कशेरुकियों में 2 ग्रीवा कशेरुकाएं अन्य से भिन्न होती हैं, पहली को एटलस तथा दूसरी को एक्सिस कहते हैं। एटलस वह खोपड़ी से संचित मतलब जुड़कर होकर इसे धारण करने के लिए उपयोजित होती है। क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि खरगोश के विषय में पूछा गया है, तो खरगोश में एटलस में सेंट्रॉन प्री जाइगोफाइसिस तथा पोस्ट जाइगोफाइसिस अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन मैमल कोरोनॉइड प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ, स्तनधारियों में कोरोनॉइड उपांग हिस्सा है, तो वो किसका हिस्सा है, तो वो जो हिस्सा है वो निचले जबड़े का है। कोरोनॉइड निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कोरोनॉइड को ग्रीक भाषा का अर्थ होता है एक मुकुट की तरह, लाइक ए क्राउन, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पेल्विक गर्डिल क्या है उसको भी बता देते हैं। पेल्विक गर्डिल पिछले पैर के जुड़ने का स्थान प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। क्या प्रदान करता है, पिछले पैर को जुड़ने का स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, स्कर्वी डिजीज कॉज्ड बाय, तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी से होता है, क्या होता है, विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी और जीरोथैल्मिया होता है, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, क्या होता है, रिकेट्स, विटामिन की से थक्का नहीं जमना, और विटामिन ई से नपुंसकता होती है, अनफर्टिलिटी हो जाती है। सिक्रेटिन इज ए, तो सिक्रेटिन एक हार्मोन है, सिक्रेटिन क्या है, सिक्रेटिन एक हार्मोन है, क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन की दरारों से निकलता है, पॉलीपेप्टाइड के स्वभाव जिसमें 27 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ये छोटी आंत से निकलता है, कहाँ से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चिक द फीटल मेम्ब्रेन दैट अपीयर्स फर्स्ट इज, चूजे में भ्रूण विकास के दौरान सबसे पहले दिखने वाली भ्रूण झिल्ली होती है, तो वो होता है योग सहायक, कौन सी होती है, योग सहायक होती है। स्तनधारियों में योग सहायक का कोई काम नहीं होता है, परंतु पक्षियों में ये दिखाई देने वाली पहली मेम्ब्रेन होती है। स्तनधारियों के जो एग होते हैं वो टीलोलिसाइथल होते हैं। योग सहायक से प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एबिसल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड, प्रकाश प्रतिवर्ती प्रकाश संवेदी जीव पाए जाते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है कि गहरे समुद्र में होते हैं। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन इज कॉल्ड द एब्सेसल जोन, ध्यान रखिए एब्सेसल जोन है ये जो सबसे गहरा हिस्सा होता है, एब्सेसल जोन होता है। और इसके अलावा हम आपको बता दें जो
पेल्जिक जोन होता है वह खुला समुद्र होता है, पेलाजिक जो जोन होता है वो पैंथिक जोन होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ सिल्क की। रेशम का रासायनिक प्रकृति होती है तो वो प्रोटीनियस होती है। किसका कैसे होती है? प्रोटीन। रेशम में रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है। रेशम कीट के पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे स्थिर आरएनए होता है, तो सबसे स्थिर आरएनए आप सब जानते हैं आरआरएनए होता है। कौन सा होता है? आरआरएनए होता है। और क्रम क्या होता है? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है, एमआरएनए और टीआरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है। राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरआरएनए गर्म करने पर इसकी संरचना नष्ट नहीं होती, ध्यान रखना आरआरएनए को गर्म करने पर इसकी संरचना नष्ट नहीं होती। पेरीपेटस रिजेम्बल्स एंड आर्थोपोड्स इज हैविंग। पेरीपेटस आर्थोपोडा प्रजाति के जीवों से किस प्रकार समानता रखता है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये हमें कमेंट्स करके आप बताइएगा कि पेरीपेटस आर्थोपोडा प्रजाति से जो समानता रखता है वो किस प्रकार की समानता रखता है। तो आप हमें ये कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो शूट इवनिंग में हो रहा है और आपको पेस्ट मॉर्निंग में होगा, अर्ली मॉर्निंग मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। मैं फिर पुनः कहूँगा आप हमारी वीडियो लिस्ट आप देख कर सारी वीडियो देखेगा, आपका जो सपना है वो जरूर साकार होगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।